इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस सेवन एंड रूट थ्री वाई माइनस इक्वल टू एक्स माइनस फोर था, एंगल बिटवीन दैम विल बी। देखो सुनो, अब की दफ़ा एक इक्वेशन दी हुई है, तो याद रखो एक्स का क्वेश्चन हम हमेशा प्लस लेते हैं, तो वाई को इधर ले आएंगे, वाई माइनस हो जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस सेवन। इसी तरह यहाँ एक्स पॉजिटिव लेना है, सो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी करेंगे हम, और हमारा जो है ये एक्स माइनस रूट थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब स्लोप निकालने की एक ट्रिक होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई विद माइनस साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ रूट थ्री है, वाई का माइनस वन है, तो जब पुट करेंगे रूट थ्री अपॉन वन यानी रूट थ्री आ जाएगा एम वन। इसी तरह देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ वन है, वाई का माइनस रूट थ्री है, तो एम टू वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। जब एम वन और एम टू आ जाए तो रूट थ्री कैसे निकलता है, इस फार्मूले से एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री तभी आएगा जब टेन थीटा वन अपॉन रूट थ्री बचेगा, और टेन की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री कब होती है, 30 डिग्री या पाई बाय सिक्स में। ये ऑप्शन इन्होंने 30 डिग्री